Hello everyone, I am Saveri and I am your mentor for your UGC NET Economics exam. In this video, we are going to cover your most important questions for macroeconomics. हम इस पांच क्वेश्चन की सीरीज में आपके जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए उन्हें कवर करेंगे. ऑल्सो यू मस्ट नो फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंसिस इन दिस एग्जाम दैट द क्वेश्चन पेपर इज बिकमिंग मोर एंड मोर कंसेप्ट बेस्ड. तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए वी आर गोइंग टू सॉल्व दीज फाइव क्वेश्चन एंड आई विल एक्सप्लेन यू द कंसेप्ट रिलेटेड टू इट. पहले भी हमने ये पैटर्न फॉलो किया है. वी विल कैरी ऑन विद दिस फाइव क्वेश्चन सीरीज. इट हैज बेनिफिटेड अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स इन द पास्ट एंड वी हैव सीन दैट इन द लास्ट एग्जाम सो मेनी पीपल वर एबल टू क्रैक दिस एग्जाम विद दिस क्वेश्चन सीरीज एंड अचीव देयर ड्रीम्स. कीपिंग दैट इन माइंड लेट्स स्टार्ट विद आवर वीडियो. प्लीज सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू इट येट. वी विल बी कमिंग अप विद दीज क्वेश्चन सीरीज टिल योर एग्जाम. Also join our Telegram group. There you can post all your queries regarding the exam. If there is any conceptual doubt, we'll get back to you as soon as possible. And let us start with our video with our question number one. As the labor supply increases, classical economists asserted that. जब भी लेबर सप्लाई इंक्रीज होता है तो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट क्या कहते हैं उसके बारे में आपको ये ऑप्शंस दिए हुए हैं. ऑल्सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द कंसेप्ट्स रिलेटेड टू दीज क्वेश्चंस. उसके बाद यू कैन ट्राई अटेम्प्टिंग दीज क्वेश्चंस इन द चैट बॉक्स. द पार्ट ए सेज इंटरेस्ट रेट विल फॉल एंड द रियल वेज रेट विल डिक्रीज. जो इंटरेस्ट रेट है वो आपका फॉल कर जाएगा और जो रियल वेज रेट है वो आपका सेम रहेगा. बी पार्ट इज इंटरेस्ट रेट विल रिमेन अनचेंज एंड द रियल वेज रेट विल फॉल. जो इंटरेस्ट रेट है आपका वो सेम रहेगा, अनचेंज रहेगा और जो रियल वेज रेट है वो फॉल कर जाएंगे. सी पार्ट सेज द प्रोडक्शन फंक्शन विल शिफ्ट अपवर्ड्स. जो प्रोडक्शन फंक्शन है आपका वो शिफ्ट कर जाएगा अपवर्ड्स. एंड द लास्ट पार्ट इज द डिमांड ऑफ लेबर विल इंक्रीज टू मैच द लेबर सप्लाई. जो आपकी डिमांड फॉर लेबर है वो इंक्रीज कर जाएगी टू मैच जितना भी आपका लेबर सप्लाई में इंक्रीज हुआ है. सो लेट अस अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट फर्स्ट. जो लेबर सप्लाई है क्लासिकल मॉडल में इट इज अ रियल वेरिएबल. जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट होते हैं उनके हिसाब से देयर इज अ डाइकोटॉमी इन द इकोनॉमी एंड द रियल वेजेस और द रियल वेरिएबल विल इफेक्ट ओनली द रियल टर्म्स द रियल वेरिएबल्स. आपको क्लासिकल इकोनॉमिस्ट यही कहते हैं कि व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन द रियल वेजेस और द रियल टर्म्स आपके तभी कोई भी रियल टर्म्स में चेंज आएगा. उसके अलावा जो भी आपके नॉमिनल टर्म्स हैं उनसे सिर्फ और सिर्फ नॉमिनल वेजेस या नॉमिनल प्राइजेस ही चेंज होते हैं. तो इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को समझने के लिए लेट अस प्लॉट अ ग्राफ. एक्स एक्सिस पे हमने लेबर को लिया है और हमने वाई एक्सिस पे अपने रियल वेजेस को लिया है. टू एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट लेट अस सी थ्रू दिस ग्राफ. एंड ऑन द एक्स एक्सिस वी हैव टेकन द लेबर एंड ऑन द वाई एक्सिस वी हैव टेकन द रियल वेजेस. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड फ्रॉम द इंक्रीज इन द लेबर सप्लाई. नाउ दिस SL ग्राफ रिप्रेजेंट्स द सप्लाई ऑफ लेबर. यहाँ आप SL जो रिप्रेजेंट करता है वो आपकी लेबर सप्लाई है और वहां से आप देख सकते हैं कि वो इंक्रीज कर रहा है. उसके इंक्रीज करने की वजह से देर इज अ शिफ्ट और जो आपकी लेबर डिमांड है उस पर आप देख सकते हैं A से B शिफ्ट हो गया है एंड योर रियल वेजेस हैव फॉलन डाउन. विद द गिवन इंक्रीज इन द लेबर सप्लाई यू कैन सी दैट योर रियल वेजेस आर falling down and they have shifted from A to B. So now you know that your real wages are going to fall. In the classical economy, when there is an increase in your labor supply. The next part was the effect on the rate of interest. अब rate of interest में आप देख सकते हैं when there is a change in the labor supply, then your saving rates will also increase. Savings अगर increase कर जाएंगी तो उसकी वजह से कि जो आपका rate of interest है they will also fall down. So इसकी वजह से you can see your rate of interest is moving from point C to D. So coming back to our question, now you know that the rate of interest is falling down and your wages will fall. Your real wages will also fall.
आपने अभी एग्जाम्पल से देखा, अभी कंसेप्ट से देखा कि आपके जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो फॉल कर जाएंगे और जो आपके रियल वेज रेट है वो भी फॉल कर जाएगा. सो द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन इज द इंटरेस्ट रेट विल फॉल एंड द वेजेस विल ऑल्सो डिक्रीज. सो द ए पार्ट इज करेक्ट. आई होप ऑल ऑफ यू हैव बीन आंसरिंग इन द चैट बॉक्स एंड लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. What should the government do to revive the economy when there is a recessionary trend going on? Government को क्या करना चाहिए revive करने के लिए economy जबकि एक recessionary trend है economy में. A part says that taxes should be increased. जो taxes हैं government को वो increase कर देने चाहिए. B part is government spending should decrease. जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग है, जितना भी वो स्पेंड करता है इकोनॉमी में फॉर एनीथिंग वेलफेयर पर्पसेस, उसको डिक्रीज कर देना चाहिए. सी पार्ट सेज दैट टैक्स शुड बी केप्ट द सेम एंड द गवर्नमेंट स्पेंडिंग शुड बी इंक्रीज. जो टैक्सेस है आपको वो सेम रखने चाहिए और जो आपकी गवर्नमेंट स्पेंडिंग है उसको इंक्रीज कर देना चाहिए. एंड डी पार्ट सेज दैट देयर इज अ बैलेंस बजट, और डी पार्ट कहता है कि वहां पे एक बैलेंस बजट है. तो लेट अस अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट फर्स्ट एंड यू गाइज ट्राई एंड अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन इन द चैट बॉक्स. तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग रिसेशनरी फेज में क्या क्या होना चाहिए उसका फर्स्ट पॉइंट देखते हैं. इफ ड्यूरिंग द रिसेशन गवर्नमेंट इंक्रीजेज द टैक्सेस इन सच अ सिचुएशन देन द कंजम्पशन इन द इकोनॉमी विल फॉल एंड रिसेशन विल डीपन. अगर ऐसे टाइम में जब रिसेशन ही है इकोनॉमी में और गवर्नमेंट टैक्स को इंक्रीज कर देती है, तब उससे होगा ये कि जो आपकी लिक्विडिटी है आपके हाथ में, लोगों के पास जो पैसे हैं वो फॉल कर जाएंगे एंड द कंजम्पशन विल फॉल. कंजम्पशन फॉल हो जाएगी, उसकी वजह से, कंजम्पशन फॉल करने की वजह से आपकी जो डिप्रेशन है इकोनॉमी में या फिर रिसेशन है इकॉनमी में वो और डीपन हो जाएगा और रिसेशनरी फेज और डिप्रेशन और बढ़ जाएगा इकॉनमी में. तो टैक्सेस कभी भी इंक्रीज नहीं करने चाहिए गवर्नमेंट को ड्यूरिंग अ रिसेशनरी फेज. लेट्स सी व्हाट द सेकंड पॉइंट सेज. टू रिवाइव द इकॉनमी द गवर्नमेंट शुड इंक्रीज द पब्लिक स्पेंडिंग सो दैट मोर जॉब्स आर क्रिएटेड विच विल स्टिम्युलेट द कंजम्पशन एंड हेंस ब्रिंग द इकॉनमी आउट ऑफ रिसेशन. तो ये पॉइंट ये कहता है कि गवर्नमेंट को एक्चुअली अपनी जो पब्लिक स्पेंडिंग है वो इंक्रीज कर देनी चाहिए. पब्लिक स्पेंडिंग इंक्रीज करने का मतलब है तो जो जी फैक्टर होता है आपके ISLM कर्व में भी या आपकी आउटपुट में भी जो जी फैक्टर होता है उसको इंक्रीज कर दे, जिससे आपकी जो कंजम्पशन है वो इंक्रीज करेगी. कंजम्पशन इंक्रीज करने की वजह से आपका जो एग्रीगेट डिमांड है वो इंक्रीज करेगा और आप रिसेशन से बाहर आ सकते हैं. सो लेट अस सी दिस फ्रॉम एन इक्वेशन. तो यू नो दैट योर इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट plus government expenditure and your net export. Now here we are saying that as your government spending increases, keeping the taxes constant, then you can see your why or your income will increase. यहाँ से आप इस equation से देख सकते हैं, ये income की equation है जहाँ पे consumption, investment और government spending का addition से हमें income मिलती है. अगर उसमें हम government spending को increase कर देते हैं तो आपका why जो कि आपकी income है वो भी इंक्रीज कर जाएगी. अब इसके इंक्रीज करने की वजह से आपकी एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज करेगी और उसकी वजह से आपकी जो इकोनॉमी है वो रिवाइव कर जाएगी. इकोनॉमी विल रिवाइव. सो कमिंग बैक टू आवर क्वेश्चन, नाउ यू नो द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी पार्ट सी वेयर वी आर कीपिंग द टैक्सेस द सेम एंड योर गवर्नमेंट स्पेंडिंग इज इंक्रीज्ड. नाउ दिस इज द करेक्ट आंसर. Let us move on to our next question. According to Keynesian theory, the money wages are rigid. Point 1 says the employer have the money illusion. जो employer है उसके अंदर एक money illusion है. इसी वजह से जो Keynesian theory है उसमें money wage rigidity होती है. अब आपको पता है जो classical model है उसमें ये कहते हैं कि जो मनी वेज है वो रिजिड नहीं होता, वो कितना भी फ्लेक्सिबल हो सकता है. बट क्रीजियन जो थ्योरी है उसमें हम ये पढ़ते हैं कि जो मनी वेज रेट है दे आर एक्चुअली रिजिड. एंड इन दिस क्वेश्चन यू नीड टू फाइंड आउट कि वो किस किस रीजन की वजह से होता है. सो लेट अस अंडरस्टैंड द रीजन फ्रॉम वेयर दिस मनी वेज रिजिडिटी इज कमिंग. द सेकेंड पार्ट सेज दैट द वेजेस आर प्री डिटरमाइंड बाय द कॉन्ट्रैक्ट.
थर्ड सेज देयर इज अ मिनिमम वेज लॉ. एक मिनिमम वेज लॉ है इकोनॉमी में. और सेकंड पार्ट कहता है कि जो प्री डिटरमाइंड है कॉन्ट्रैक्ट में, आप वेजेस तब डिटरमाइन हो गए जब आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया. फोर्थ पार्ट कहता है कि इफ द वेजेस आर डिक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द लेबर विल फॉल. इसलिए भी मनी वेज रेट फ्लेक्सिबल नहीं रहते, क्योंकि जो आपकी मनी वेज आप फॉल करवाते हैं, डिक्रीज करते हैं, तो आपके जो लेबर है वो प्रोडक्टिव नहीं रहता. नाउ यू हैव फोर ऑप्शन. ऑप्शन ए सेज 1 and 2, ऑप्शन बी सेज 2, 3 and 4, ऑप्शन सी सेज ओनली 3 एंड ऑप्शन डी सेज ओनली 3 and 4 आर करेक्ट. Let me know in the chat box what do you think is the correct answer and let us understand the concept of money illusion. जिनका मतलब ये है कि क्या रेट चल रहा है इन्फ्लेशन का, वो बात आपको नहीं पता है. मनी इल्यूजन का मतलब ये होता है कि इकोनॉमी में क्या एक इन्फ्लेशन रेट चल रहा है उसकी खबर आपको नहीं है. By money illusion, we want to say that there is some condition of inflation in the economy and not everybody is aware about that. So let us understand this concept. The money illusion is something that the employees have. So employer doesn't have the money illusion. इसका मतलब ये है कि जो आपको recruit कर रहा है उसको तो पता ही है कि आप कितना ज़्यादा inflation चल रहा है economy में, क्योंकि वो तो retail कर रहा है और आप सिर्फ consume कर रहे हो as a employee. तो सिर्फ employees के मन में money illusion होता है. So this concept of money illusion is only an attribute to employees, not the employer, because employer anyway is going to retail its output and he knows what is the inflation rate in the economy. Next part is they think about the increase and decrease in the term of the nominal wages and hence they will not accept the fall in the wage rate as the labor supply increases. तो जो भी लोग होते हैं, इम्प्लॉयज होते हैं, दे डू नॉट एक्सेप्ट अ फॉल इन द मनी वेज रेट, क्योंकि उनको एक इल्यूजन होता है कि अगर आप डिक्रीज कर देंगे हमारा नॉमिनल टर्म्स में वेजेस, तो वही रियल वेजेस हैं. और उनको नहीं पता चलता कि अगर इन्फ्लेशन हो जाता है इकोनॉमी में तो उनकी एक्चुअली जो मनी वेज रेट की वैल्यू है वो रियल टर्म्स में फॉल कर जाती है. अगर फॉर एग्जाम्पल आप ये सोचें कि आपकी मनी वेज रेट तो इंक्रीज कर जाए बाय 2%, बट देर इज अ इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी ऑफ 3%. नाउ यू कैन सी कि मनी वेज रेट से आपको इंक्रीज करने से कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि आपको नुकसान हुआ इन्फ्लेशन की वजह से -1% का. As you can see from this example where we are saying the money wage rate increased by 2% and your inflation was 3%, at the end you will actually get a purchasing power which is fallen by 1%. Hence by inflation, by money wage rate, we mean that you are not taking into consideration ki inflation ka kya effect ho raha hai aapke upar. You are not taking the inflation into account. Coming back to our questions, अब हमें ये चीज़ यहाँ से नोट करनी है कि यहाँ पे किस किस चीज़ों का इफेक्ट होगा मनी वेज रेट पे उसको रिजिड रखने की वजह से. सो इम्प्लॉयर्स हैव मनी इल्यूजन, ये हम पता चल गया है कि दिस इज रॉन्ग. सो द इम्प्लॉयज हैज अ मनी इल्यूजन इज एक्चुअली रॉन्ग, बिकॉज वी हैव जस्ट स्टडीड कि इम्प्लॉयज को होता है मनी इल्यूजन, नॉट द इम्प्लॉयर्स. सेकेंड पार्ट इज वेजेज आर प्री डिटरमाइंड बाय अ कॉन्ट्रैक्ट. So yes, this is a condition which is going to make the money wage rate rigid. So जब भी आपके predetermined होते हैं contract में, कोई भी अगर आप sign करते हैं, तो you'll get to know कि जो आपका money wage rate है वो पहले ही decide हो गया है, उसके बाद आप change नहीं करोगे, इसलिए money wage rate जो है बहुत ज़्यादा rigid है. Third part is there is a minimum wage law. अब हर कंट्री का एक मिनिमम वेज लॉ होता है. मिनिमम वेज लॉ से मतलब है कि इससे कम आप पे नहीं कर सकते हैं अपनी इकोनॉमी में किसी को भी. अगर ऐसा कोई लॉ चल रहा है तो आपका जो इम्प्लॉयर है वो कम कर ही नहीं पाएगा, तो एक मनी इल्यूजन उसको रहेगा ही रहेगा. इसीलिए दिस इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन आवर पार्ट. इफ देर इज अ मिनिमम वेज लॉ देन द रिक्रूटर कैन नॉट डिक्रीज योर वेज रेट आफ्टर अ पॉइंट. डजेंट मैटर कि आपकी इकोनॉमी में व्हाट इज द वेज रेट, व्हाट इज द इन्फ्लेशन रेट, ही और शी कुड नॉट डिक्रीज द मनी वेज रेट दैट यू आर गेटिंग.
Fourth point says that if the wages are decreased, the efficiency of the labor force. This is also true. Whenever you pay less amount of money to your labor, एक तो जो leisure है वो एक beneficial output रहेगा उसके लिए कि वो अगर substitute कर दे अपने working days को leisure से, so जो leisure की opportunity cost है वो उतनी नहीं रहेगी. So first is this that the leisure would be very promising right now when your wages have fallen down. Also when your wages fall down, then the labor could not afford a good nutrition. Good nutrition ना होने की वजह से भी जो एफिशिएंसी है वो फॉल कर जाएगी. सो दिस पार्ट, फोर्थ पार्ट इज आल्सो करेक्ट. सो योर करेक्ट आंसर, आई होप यू कैन नाउ गेस व्हाट इज द करेक्ट आंसर एंड लेट मी नो इन द चैट बॉक्स. द करेक्ट आंसर हेयर इज पार्ट बी. 2, 3, 4 ऑल आर करेक्ट. लेट अस मूव ऑन टू आर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. अजर्शन इज अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी रिस्टोर द फुल एम्प्लॉयमेंट इकॉनमी एंड द रीजन दैट दे आर गेटिंग इज देर इज नो इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकॉनमी. नाउ यू गाइज मस्ट अंडरस्टैंड वट इज द अजर्शन एंड रीजनिंग हेयर. अजर्शन यहाँ पे ये कह रहा है कि जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि जो वेज प्राइस फ्लेक्सीबिलिटी है वो रिस्टोर कर देगी इकॉनमी को. सो दिस इज एक्चुअली करेक्ट. क्लासिकल इकोनॉमिस्ट एक्चुअली से व्हेनेवर देर इज अ चेंज इन द लेबर सप्लाई और लेबर डिमांड. फॉर एग्जांपल ये लेबर डिमांड है और ये लेबर सप्लाई है. दिस इज योर लेबर एंड दिस इज योर वेज रेट, योर मनी वेज रेट. सो व्हाट वी आर डूइंग हियर, वी आर टेकिंग money wage rate on one axis and labor on the other axis and you say there is a situation where there is a fall in the labor demand. So rather than moving to this point from point A to B, the economy will move at this point, point C, because the wages are flexible. The wage and the prices both are flexible. यहां से हमें क्या पता चला कि जो भी आपके क्लासिकल मॉडल है उसमें वेज प्राइस लिक्विडिटी ऐसा काम करती है कि जब भी इकोनॉमी में कोई भी चेंजेस होगा तो आप वो फिर से फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे पहुंच जाएगी फ्रॉम द वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी. अगर यहाँ पे वो ये कहते हैं कि कोई भी अनएम्प्लॉयमेंट है भी, दैट इज वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट. वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट से मतलब है कि जो लोग हैं उन्होंने वॉलेंटरली इस अनएम्प्लॉयमेंट को एक्सेप्ट किया है. ऐसा नहीं है कि वो काम देखने के लिए गए थे और उनको काम मिला नहीं. सो फ्रॉम हियर दे आर सेइंग देयर इज ओनली वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकॉनमी एंड दिस वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट कुड ऑल्सो बी रिस्टोर्ड इन द इकॉनमी इफ वी जस्ट कुड मूव आर लेबर सप्लाई टू दिस पॉइंट which can move in the classical model. They are saying that wage prices both are flexible. So यहाँ से हमें ये बात पता चल गई कि जो economy है for the classical economies, they do come back and restore the full employment level. Now from here we can see जो reasoning है that is also correct. अभी हमने देखा है यहाँ पे कि there is no involuntary unemployment, only there is a voluntary unemployment. So this reasoning is correct. But does it explain your assertion? वो एक third part होता है इस question paper में कि आपको ये भी देखना है कि reasoning does it explain your assertion? तो इस particular question में हम ये देख सकते हैं कि wage price जो flexibility है उसकी वजह से there is no involuntary unemployment. That it is this way around. Assertion actually explains your reason and the reasoning is not explaining your assertion in this particular question. So now you can understand कि जो assertion है that is correct and reasoning is also correct but reasoning does not explain your assertion. क्योंकि जो आपकी involuntary unemployment है उसकी वजह से ऐसा नहीं है कि वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी है. वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी होने की वजह से आपकी इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट है. आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर एंड आई होप यू हैव बीन आंसरिंग इन द चैट बॉक्स. लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5.
विद द फेलियर ऑफ फिलिप्स कर्व ड्यू टू द अकरेंस ऑफ स्टैगफ्लेशन लीड टू री एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द कीनीजियन एनालिसिस. सेकेंड पार्ट इज डेवलपमेंट ऑफ अडैप्टिव एक्सपेक्टेशन थ्योरी. थर्ड पार्ट इज फेलियर ऑफ सिंपल कीनीजियन एनालिसिस. एंड फोर्थ पार्ट इज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नेचुरल रेट हाइपोथेसिस. एंड द ऑप्शंस हियर वी हैव इज 1 and 2 आर करेक्ट, 2 and 3 आर करेक्ट, ओनली 1 इज करेक्ट, 2 and 4 आर करेक्ट. तो आपको इसमें ये बताना है कि जो फिलिप्स कर्व जो है वो फेल हो गया स्टैगफ्लेशन की वजह से. अब फिलिप्स कर्व ये कहता था कि व्हेनेवर योर अनएम्प्लॉयमेंट विल इंक्रीज, अनएम्प्लॉयमेंट अगर इंक्रीज करता है तो आपका जो इन्फ्लेशन रेट है वो फॉल करेगा. और अगर आपको अनएम्प्लॉयमेंट रेट को काउंटर करना है तो आप इन्फ्लेशन इंक्रीज कर दीजिए तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो घट जाएगा. सो इन द फिलिप्स का वी नो दैट देर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन योर इन्फ्लेशन एंड योर अनएम्प्लॉयमेंट. फ्रॉम वेयर वी आर सेइंग एज अ पॉलिसी मेकर यू हैव टू एक्सेप्ट वन थिंग, आइदर अ हायर अनएम्प्लॉयमेंट रेट और अ हायर इन्फ्लेशन. सो हेयर वी हैव द फिलिप्स कर्व एंड इट एक्चुअली फेल्ड ड्यूरिंग 1970s जब स्टैगफ्लेशन की कंडीशन थी, दैट यू हैव अ हायर रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड अ हायर रेट ऑफ इन्फ्लेशन. सो आप ये फिलिप्स कर्व को देख सकते हैं कि फिलिप्स कर्व फेल कर गया था 1970s में, जहां पे देर वॉज अ हायर रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज्यादा था और इन्फ्लेशन रेट भी बहुत ज्यादा. सो इनमें से क्या ऑप्शन करेक्ट है फॉर द अकरेंस ऑफ द ब्रेक डाउन ऑफ द फिलिप्स कर्व, क्या उसके आफ्टर इफेक्ट्स हुए, दैट यू हैव टू टेल मी इन दिस क्वेश्चन. लेट अस अंडरस्टैंड द फिलिप्स कर्व. एज द फिलिप्स कर्व फेल्ड सो डिड द कीनीजियन एनालिसिस एंड कीन्स ट्राई टू एक्चुअली एक्सप्लेन द दिस कॉन्सेप्ट यूजिंग द मार्जिनल कॉस्ट कॉन्सेप्ट. ये उसने ट्राई किया था टू एक्सप्लेन दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट. This collapse actually led to more theories on unemployment and inflation. अब जब कोई थ्योरी फेल हो जाती है तो उससे क्या होता है कि जो और pioneers हैं उस इकोनॉमी के, उस थ्योरी के, वो उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं या फिर कोई नया रूल आ जाएगा, कोई नया एक्सपेक्टेशंस आ जाएंगी इकोनॉमी में, कुछ ना कुछ आप नया ट्राई करेंगे विद द इकोनॉमी. सो व्हेनेवर देयर इज अ फेलियर ऑफ अ पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, देयर आर सम थ्योरीज, देयर आर सम अदर फ्लोटिंग थ्योरीज विच ट्राई टू एक्सप्लेन दिस कंडीशन. फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस वी वर ट्राइंग टू एक्सप्लेन द स्टैगफ्लेशन. सो स्टैगफ्लेशन वॉज एक्चुअली ड्यूरिंग 1970s वॉज एक्चुअली अ एंड ऑफ कीनीजियन एरिया. उसके बाद हम ये देखते हैं कि इकोनॉमी में यू एक्चुअली गेट न्यू क्लासिकल्स एंड पोस्ट कीनीजियन एनालिसिस. तो ये एक आफ्टर इफेक्ट हो गया आपके फिलिप्स कर्व का. कमिंग बैक टू आर क्वेश्चन, तो री एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कीनीजियन एनालिसिस तो नहीं हुआ. क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कीनीजियन एनालिसिस तो फिलिप्स कर्व के फेल होने से खराब हो गया, स्टैगफ्लेशन हो गया. तो कीन्स तो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा कि अगर स्टैगफ्लेशन भी है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी हाई है और इन्फ्लेशन रेट भी हाई है तो क्या करना चाहिए. सेकेंड पार्ट इज डेवलपमेंट ऑफ अडैप्टिव एक्सपेक्टेशन थ्योरी. सो जी हाँ, आफ्टर द फिलिप्स कर्व अदर इकोनॉमिस्ट एक्चुअली ट्राइड टू एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट एंड फ्रॉम देयर वी गेट की अडैप्टिव एक्सप्लेनेशन थ्योरी एक्चुअली एक्सप्लेन्स द ब्रेकडाउन ऑफ द फिलिप्स कर्व. फिलिप्स कर्व अब ये कहता है कि जो लोग हैं उनको थोड़ा टाइम बाद समझ में आता है कि जो इन्फ्लेशन रेट है वो इंक्रीज कर गया है. अडैप्टिव एक्सप्लेनेशन थ्योरी में, एक्सपेक्टेशन थ्योरी में, दे एक्चुअली टेल यू कि धीरे धीरे लोगों को समझ आनी शुरू होती है कि इन्फ्लेशन इंक्रीज कर गया है इकोनॉमी में. थर्ड पार्ट इज द फेलियर ऑफ सिंपल कीनीजियन एनालिसिस, दैट इज ऑल्सो करेक्ट कि सिंपल जो कीनीजियन एनालिसिस है दैट एक्चुअली फेल्ड इन दिस पर्टिकुलर एरा. फोर्थ पार्ट इज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नेचुरल रेट हाइपोथेसिस, दैट इज ऑल्सो करेक्ट. सो योर ऑप्शन सेकेंड एंड फोर्थ आर करेक्ट. So D is your correct answer. This particular question was actually very conceptual and you need to have all the knowledge of development of
adaptive expectation theory and establishment of the natural rate hypothesis. But I think it would be clear now कि जो Phillips curve है वो failure था, ना कि सिर्फ Phillips curve का, but also it was a failure of the Keynesian analysis because now the Keynes analysis could not explain the Phillips curve. Also, after the explanation of the adaptive explanation theory, it becomes more and more clear कि जो unemployment and inflation rate की आपस में relation है, they are also not inverse. एक level तक inverse रहती है, थोड़े time बाद, जब inflation rate increase कर जाता है, the workers also actually get to know that the inflation rate has increased and from there they are like कि अब increase कर गया है, so we need to have more and more money income. So, उसकी वजह से जो आपके unemployment rate है, वो कभी भी change नहीं होती. Now, this unchanging unemployment rate is actually natural rate hypothesis. I hope this explains your Phillips curve concept. I hope you like this video. Also, I would be coming up with more strategy video so that you would be able to crack this exam in 2 months. Our deadline is now actually late of March and early April and not June. I know आपको बहुत ज़्यादा struggle हो रहा होगा कि strategy कैसे बनानी है, 2 महीने में इस exam की तैयारी कैसे करें. So on Monday I would be coming up with a strategy video. I hope you like this video. If you did, please subscribe to our YouTube channel. Thank you and have a very nice day.